नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं आई एम एन इंडियन चैनल। तो दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय है वो है इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एक भारतीय दवा कंपनी है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। इनका जो मुख्य लोग हैं वो है विनीत चुटगर, निमिष चुटगर, उर्मिस चुटगर और हसमुख चुड़गर। दोस्तों, कंपनी की स्थापना 1977 में एक जैन फार्मासिस्ट हसमुख चुड़गर द्वारा की गई थी और 1985 में इसे शामिल किया गया था। 2013 में क्रिस कैपिटल ने कंपनी में 16.14% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया और 2015 में क्रिस कैपिटल ने बाद में सिंगापुर स्थित टेमासिक होल्डिंग्स को 10.13% बेच दिया और 2017 में इसने कैपिटल इंटरनेशनल को 3.01% हिस्सेदारी की और पतला कर दिया। हालांकि मई 2020 तक क्रिस कैपिटल ने कैपिटल इंटरनेशनल की हिस्सेदारी वापस खरीद ली। वर्तमान में चुटगर परिवार की कंपनी में 83.85% हिस्सेदारी है, जिसमें 10.13% टेमासेक होल्डिंग्स और 6.02% क्रिस कैपिटल के पास है। मार्च 2021 तक कंपनी विश्व स्तर पर 19 विनिर्माण सुविधाओं का संचालन कर रही है। भारत में 13, यूके में 5 और मेक्सिको में 1। कंपनी ने फार्मिस अहमदाबाद के पास वावला में 1 बिलियन से अधिक ठेस खुराक और 5 मिलियन इंजेक्शन के निर्माण और निर्यात की क्षमता के साथ एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। 2006 में इंटास फार्मास्यूटिकल्स के एक स्वतंत्र बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन की शुरुआत उर्मिस चुड़गर द्वारा इंटास बायो फार्मास्यूटिकल्स के रूप में शामिल किया गया था। बाद में 2012-13 में सहायक कंपनी का मूल कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में विलय कर दिया गया। ये जो संयोजक डीएनए और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के आधार पर बायोसिमिलर उत्पादों के विकास और निर्माण में शामिल है। कंपनी ने यूरोप में अपने बायोसिमिलर फिलगस्टीन के क्लिनिकल परीक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दिसंबर 2006 में ईयू जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑडिट का सामना किया और अप्रैल 2007 में ईयू जीएमपी अनुपालन के रूप में प्रमाणित किया गया, जो प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। ऐसा प्रमाण 2015 में कंपनी ने अपना पहला बायोसिमिलर उत्पाद फ्लिग्रस्टीम यूरोप में लॉन्च किया। उन्नत एचआईवी संक्रमण और न्यूटोपिनिया जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली विकारों के रोगियों के इलाज के लिए यूजीएमपी प्रमाणीकरण के अलावा कंपनी को अपनी विनिर्माण सुविधा और उत्पादों के लिए एमसीसी दक्षिण अफ्रीका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सीरिया, यमन, बेलारूस और कई अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त है। दोस्तों, लंदन मुख्यालय बाली एकर्ड हेल्थ केयर इंटास फार्मास्यूटिकल्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाजारों में बड़े पैमाने पर जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित है। यह एक अमेरिकी अनुसंधान एवं विकास इकाई का प्रबंधन भी करता है, जो रिसर्च ट्रायंगल पार्क
डरहम में स्थित है। 2018 तक कंपनी के पास 89 संक्षिप्त नई दवा अनुप्रयोग के लिए अनुमोदन है और 255 खुराक प्रस्तुतियों की बिक्री कर रही है। 2016 में इंडियास ने 764 मिलियन अमरीकी डॉलर में यूके और आयरलैंड में टेबा फार्मास्यूटिकल्स की संपत्ति का अधिग्रहण किया। 2017 में कंपनी के एकॉर्ड हेल्थकेयर ने 603 मिलियन पाउंड के उद्यम मूल के लिए टेबा फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज से एक्टाविस यूके लिमिटेड और एक्टाविस आयरलैंड लिमिटेड के अधिग्रहण को घोषणा की। सौदे में जेनेरिक दवाओं का एक पोर्टफोलियो और वर्न स्टॉपल में एक विनिर्माण संयंत्र शामिल था। 2018 में इंटास की सहायक कंपनी एक्वाड हेल्थकेयर ने ब्रिटेन में सनोफी के फाइन प्लॉट को फिर से खोल दिया ताकि जेनेरिक दवाओं का निर्माण किया जा सके। सनोफी द्वारा सुविधा बंद करने के बाद 2015 में संयंत्र का अधिग्रहण किया गया था। हेरो बर्नस्टॉपल, हेवरहिल और डिटकोट के बाद यह देश में एकॉर्ड के लिए 5वीं विनिर्माण स्थान है। कंपनी का 2019 में 1.8 बिलियन यानी कि 12,600 करोड़ का वार्षिक राजस्व था और वित्तीय वर्ष 2019 में करों के बाद $204 मिलियन यानी कि 1,248 करोड़ का लाभ हुआ था। कंपनी का 69% राजस्व वित्त वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन से आया था जबकि 31% भारत से आए। दिसंबर 2020 में मैनकाइंड फार्मा के साथ कंपनी को नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी से मूल्य अनुमोदन की मांग किए बिना एंटी डायबिटिक दवा बेचने के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ। लो प्रोफाइल हसमुख चुड़कर ने 1977 में जेनेरिक निर्माता इंटास फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। चुड़कर ने लंबे समय से अपने बेटों निमिष और विनीश को संचालन सौंप दिया है जो $2.3 बिलियन राजस्व कंपनी चलाते हैं। इंटास के 15 कारखाने हैं जिनमें से 10 भारत में और बाकी यूरोप और मेक्सिको में है। 2019 में इंटास ने एलोफथा नामक स्तन कैंसर के इलाज के लिए एक सस्ती दवा लॉन्च की जो रोसो के हस्टिंग्स पर समान है। तो दोस्तों ये थी कहानी इंटास फार्मास्यूटिकल्स की। तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बगल में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करके दूसरों को भी देखने का मौका दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत माता।